दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ा युद्ध अब अकोला तक आ पहुंचा है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से अकोला भाजपा जिलाध्यक्ष तथा विधायक रणधीर सावरकर जी के घर का घेराव करके आंदोलन करने वाले थे, जिसकी जानकारी भाजपा कार्यकर्ता को पहले ही मिल गई। फिर जैसे ही कांग्रेसी राउतवाड़ी पहुंचे, वहां दोनों पार्टियों के पदाधिकारी आमने सामने आकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहने से बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं दूसरी ओर चंद दिनों बाद अकोला मनपा का चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर भी सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही है और उत्साही भावी नगर सेवक जमकर फील्डिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार बजट भी तो 1200 करोड़ का है। जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।